है एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इपका फैशन और आज मैं अगेन लेकर के आ गई हूँ एक नया हॉल वीडियो और आज क्या हॉल में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के बॉटम भी है जिसे आप ना घर में भी पहन सकते हो और अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर आउटिंग पे या कहीं पे भी तो भी आप पहन सकते हो इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जीन्स मल्टी कलर ट्राउज़र पैंट सभी कलेक्शन मतलब ओवरऑल सारे मिक्स रहेंगे और आने वाली वीडियोस में भी ना आपको ऐसी देखने को मिलते रहेंगे तो इस तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए ना प्लीज स्टे ट्यून और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास का बेलाइकन भीट कर दे इससे जो भी आपको वीडियो होगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इपका फैशन विद मी के नेम से आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं सो नो मॉडल है लेट्स गेट स्टार्ट सो गेट जो फर्स्ट फर्स्ट आपको बॉटम वियर शेयर करने वाले हैं ये है बैगी वाला जीन्स और ये ना मुझे काफ़ी पसंद आते हैं क्योंकि ये ना काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं लाइट वेटेड होते हैं और रियली सो स्टाइलिश भी होते हैं तो मैंने पिक करा है इस तरह से नेवी ब्लू कलर में ये कैसे डार्क ब्लू कलर है और इसमें ना इस तरह से आपको ऊपर में मिलेगा इलास्टिक के साथ में इस तरह से ये ना आप जैसे हाई वेस्टेड होते हैं ना उस तरह से भी आप इसे कैरी कर सकते हो और ये आपको ना इस तरह से डोरी टाइप का मिलता है ना ये आप यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा लेना तो ये ना काफ़ी अच्छा लुक देगा और ये जितने भी ये आपको ना इस तरह से मिलेगा टोटल प्लेन है इसमें आपको कलर्स मिल जाएंगे ब्लैक कलर ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर इस तरह से आप जो भी कलर चाहते हो ना वो आपको मिल जाएंगे नीचे में आपको इस तरह से नैरो मिलेगा और बैक साइड जो है ना इसका इसका भी बैक साइड एकदम ऐसे ही सीम है इसमें ना आपको इस तरह से फ्रंट में दो पॉकेट मिल जाते हैं तो ना आप इसमें आराम से कुछ भी कैरी कर सकते हो बट ये ना मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा और प्राइस वाइज देखा जाए ना तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है तो और मैं इसे पहन के भी दिखा दी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा लग रहा है आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट वन है ना ये इस तरह से आपको उसी मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट है ये ना जो मटेरियल है ना ये कॉटन टाइप का मटेरियल है और इस मैंने इसलिए इसको पिकअप करा है ना क्योंकि ये इंटर में ना आप इसके नीचे जब आप इनर कैरी करोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा आपको कंफर्टेबल फील करवाएगा इसलिए मैंने इसको पिकअप करा है और ये सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ना आपको फ्रंट में आप देखोगे इस तरह से मिलेगा ना नॉट के साथ में और इस तरह से मिलेगा और इस तरह से फ्रंट में आपको बेल्ट टाइप का मिलेगा और बैक साइड में ना आपको इस तरह से इलास्टिक मिलेगा ओके okay? एंड फ्रंट में दोनों साइड में आप ना आपको इस तरह से पॉकेट भी मिल जाती है और ये काफ़ी कम लाइट वेटेड है या कंफर्टेबल है और मैंने इसे विंटर के पर्पज़ से लिया है और सच में विंटर के पर्पज़ में ना काफ़ी अच्छा है और ये देखोगे नीचे में ना आपको इस तरह से थोड़ा सा नैरो टाइप का पैंट मिलेगा और साइड में ना इस तरह से कट भी है और बैक साइड आप देख सकते हो बैक साइड आपको इस तरह से मिलता है और ये सच में काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है साथ में इसकी जो मटेरियल है ना प्राइस वाइज़ मैं बोलूँ तो एकदम अच्छा है मैं इसे आप समझ सकते हो कि इतने प्राइस में क्या मिलता है बट ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा क्योंकि ये ना कम्फर्टेबल है ओके एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट वन है ना ये इस तरह से मल्टी कलर में है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ना इसलिए मैंने इसको पिकअप लिया सोचा आप सबको भी शेयर करूँगी ये ना सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था इसमें आई थिंक मुझे कलर्स भी शायद मिल रहे थे बट ये वाला कलर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था और इस तरह से आप देखोगे ना दोनों तरफ आपको इलास्टिक मिलता है और ये आगे में इस तरह से नॉट के लिए मिलता है और जो इसका मटेरियल है ना बहुत ही मोटा वाला जो आ, मटेरियल होता है ना वो वाला है मटेरियल और देखोगे फ्रंट में ना आपको दो पॉकेट्स भी मिल जाते हैं और नीचे में आपको ना इस तरह से इलास्टिक मिलेगा तो तो जैसे कार्गो वाले पैंट होते हैं ना एकदम वैसा वाला लुक देगा तो मैं इसे ना जैसे मार्केट पर्प पर में जाते हैं या कहीं आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो वेदर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो या किसी फोर व्हीलर से भी ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको इस तरह का जो कंफर्टेबल जो फील करवाता है ना वो उस तरह का आपको पैंट चाहिए होता है तो ये ना उस टाइप से काफ़ी अच्छा है आप ऐसे मार्केट में भी पहन के जा सकते हो काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये इसलिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी और मटेरियल इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मेक श्योर आ कि आप इसको ज़रूर चेक कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप ज़रूर चेक करना एक बार एंड जो नेक्स्ट है ना ये कुछ इस तरह का ये पैंट टाइप है ये ना आप डेली वियर में घर में पहन सकते हो इसमें अलग अलग आर्मी वाले ही वो टाइप के हैं मेरा काफ़ी मन था ना कि आर्मी वाला भी एक बार ट्राई किया जाए कैसा लगता है मैं ऐसे मार्केट जाती तो मुझे दिखता था पर वो जेंट्स वाला रहता था तो मैं सोचती थी मेरे लिए विकास ऐसा बन जाता तो फाइनली ना मुझे मिशो पर ये मिला तो ये कुछ इस तरह से है ना आपको इसमें अलग अलग पैटर्न भी मिल जाएंगे मैंने ये इस तरह से पैटर्न के साथ में ना स्टार वाला लिया ये देखो फ्रंट में ना आपको पॉकेट मिल जाता है दो और नीचे में कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा ज़्यादा चौड़ा नहीं है थोड़ा सा नैरो है घर पे पहनने के लिए ना एकदम बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा ना ये ऊनी टाइप का लग रहा है जैसे ऊन वाला मटेरियल होता है उस टाइप का और इसकी इलास्टिक भी काफ़ी अच्छी है तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी और इसका जब इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं सो आज आज का हॉल वीडियो ना यही सारा था और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताए आप लोग कमेंट नहीं करते ये चीज़ सबसे मैंने देखा है और आप लोग ना वीडियोस देख लेते हो कितने सारे बट वीडियोस को देखने के बाद ना लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपकी एक एक हेल्प से ना मुझे से काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हॉल वीडियो कैसा लगता है अगर अगर आप सबकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे कमेंट कर ही सकते हो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ही होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो आप मुझे बताते रहिएगा सो so, आप मिलते हो आपसे नेक्स्ट ऑल वीडियो में सो स्टेट यून कीप ऑन वॉचिंग एंड बाय